कैसे हो आप? आई होप ऑल वेल। बच्चों, वी हैव कंप्लीटेड नंबर सिस्टम इन लास्ट क्लास। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर पॉलिनोमियल्स। दिस इज द चैप्टर 2 ऑफ योर एनसीईआरटी। बच्चों, यू हैव स्टडीड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, देयर एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इन अर्लियर क्लासेस। यू ऑल्सो हैव स्टडीड हाउ टू फैक्टराइज सम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो पिछली क्लासेस में आपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, उनके एडिशन, उनके मल्टीप्लिकेशन, उनके सब्ट्रैक्शंस को कर लिया है, उनके डिवीजंस को कर लिया है, और कुछ एक्सप्रेशंस के फैक्टराइजेशंस कैसे करते हैं ये आप पिछली क्लासेस में सीख चुके हैं। आज हम पॉलिनोमियल्स का नया जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, पहले तो हम रिकॉल करेंगे कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को जो आपने पिछली क्लासेस में सीखी हैं, और फिर आगे बढ़ेंगे। अब आगे कैसे बढ़ेंगे ये तो हमें डे बाय डे पता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। बच्चों, नाउ वी रिकॉल सम एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज लाइक ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। याद है आपको? a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। चलिए कुछ मैं आपको यहां ये रिवाइज भी कराता हूं कैसे ये आइडेंटिटीज आपकी आती हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब होता है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई है बेसिकली। तो a इंटू ए क्या आएगा? ए स्क्वायर आएगा। a को a से मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर मिलने वाला है आपको, प्लस a इंटू बी, a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी आएगा, प्लस b। अब देखिए, फर्स्ट जो आपका टर्म है उसका दोनों से मल्टीप्लाई हो चुका है, फिर सेकंड टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, तो b इंटू ए, ये बी ए लिखिए या ए बी लिखिए एक ही बात होती है, प्लस b इंटू बी, b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b इंटू बी इज बी स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से इसको रिकॉल कीजिए, ये लिखा हुआ है a माइनस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए इंटू ए ए स्क्वायर ए इंटू माइनस बी, प्लस ए का मल्टीप्लाई माइनस बी से होगा तो प्लस इंटू माइनस माइनस ए बी, फिर माइनस बी इंटू ए माइनस इंटू प्लस माइनस ए बी, फिर बी माइनस बी इंटू माइनस बी, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और बी इंटू बी इज बी स्क्वायर। बेसिकली ए स्क्वायर का जब सेम साइन होते हैं तो क्या होता है? प्लस होता है। तो माइनस ए बी एंड माइनस ए बी इज माइनस टू ए बी, साइन वही आता है जो होता है, एंड प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, फिर इसको भी रिकॉल कर देते हैं, इसको वापस ऐसे प्लस सॉल्व करेंगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अब भी आपको दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करना है, मीन्स ए इंटू ए ए स्क्वायर ए इंटू माइनस बी, तो प्लस ए इंटू माइनस बी इज माइनस ए बी, फिर प्लस बी इंटू प्लस ए बी एंड प्लस बी इंटू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर। अब माइनस ए बी और प्लस ए बी क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, मतलब जीरो आ जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपकी आइडेंटिटीज थी जो मैंने आपको बता दी थी कैसे आप इनको लेकर आते हैं। ठीक है, ये आपको हर बार करना नहीं है, डायरेक्ट आपको इनका यूज करना सिखाया गया था लास्ट क्लासेस में, आगे भी इनका यूज होगा। ठीक है, मैंने सिर्फ इसलिए यहां बताया है कि आप रिकॉल कर लें कि कैलकुलेशंस हम कैसे करते थे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की। बेसिकली आपने इसको ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी को फैक्टराइज करके लेकर आए हैं। ठीक है,
ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर को फैक्टराइज करके ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी आएगा, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फैक्टराइज करके ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आएगा। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट आज के चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं कैसे क्या करना है। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन आवर स्टडी पर्टिकुलर टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कॉल्ड पॉलीनोमियल एंड द टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू इट। साथ ही सीखेंगे रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम और इनका यूज फैक्टराइजेशन में, और कुछ नई आइडेंटिटीज जो अर्लियर क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं उनसे डिफरेंट आइडेंटिटीज ही हम यहां सीखेंगे, और इनका कैसे यूज किया जा सकता है फैक्टराइजेशन में उसको सीखेंगे। तो चलिए वी यूज एक्स वाई जेड एज वेरिएबल्स। नोटिस 2x माइनस 3x डिवाइड 4x आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। विच आर the form of constant into x, constant into x। तो x को हमने वेरिएबल बोला है, कॉन्स्टेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो कॉन्स्टेंट रिप्रेजेंट एज ए बी सी एंड एक्सेट्रा। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट। क्वेश्चन राइज होता है व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट। बेसिकली कॉन्स्टेंट ऑलवेज रिमेन सेम इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, कॉन्स्टेंट ऑलवेज रिमेन्स सेम इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। Variable keep change। आपको समझ आ गया, आपको कॉन्स्टेंट आपका चेंज नहीं होगा, कॉन्स्टेंट रहेगा किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, जबकि वेरिएबल आपका बदलता रहेगा। सपोज पैरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, पैरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, सपोज आपने एक स्क्वायर लिया, ठीक है, और पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर के लिए अगर मैं बोलूं तो पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, सम ऑफ ऑल फोर साइड्स। पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज सम ऑफ ऑल फोर साइड्स। स्क्वायर की जो साइड होती है सब इक्वल होती है। सपोज अपने साइड लिया साइड ऑफ अ स्क्वायर इक्वल्स टू 5 यूनिट्स। पैरीमीटर क्या आ जाएगा गाइस, पैरीमीटर इक्वल्स टू 4 × 5 = 20 यूनिट। सपोज साइड इज 10 यूनिट्स, 10 पैरीमीटर
इक्वल्स टू 4 इंटू 10 40 यूनिट। सपोज साइड इज इक्वल्स टू x यूनिट देन पैरामीटर इक्वल्स टू 4x यूनिट्स। तो 4 हियर 4 इज कांस्टेंट and x is variable। आई होप आप समझ रहे हैं। अब देखिए x की जगह क्या क्या आपने लिया, फर्स्ट आपने लिया 5, फिर चेंज किया आपने 10, ठीक है, और भी चेंज कर सकते थे, तो ये आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और 4 पर्टिकुलर सिचुएशन है, यहां पर 4 4 ही है, ये देखिए ये देखिए या ये देखिए, ये चेंज नहीं हुआ। तो आई होप आप समझ रहे हैं कांस्टेंट और वेरिएबल को। तो किसी एक्सप्रेशन को अगर आप ए एक्स लिखते हैं, इट मींस ये क्या है आपका कांस्टेंट है जो चेंज नहीं होगा, और ये है वेरिएबल जो चेंज हो जाएगा, ठीक है। सपोज एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्या होता है, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। सपोज ये ए है, ये ए है और ये भी ए है, तो जो एरिया आता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 3/4 into side square, means 3/4 into a square। बेसिकली आपको यहां वेरिएबल और कॉन्स्टेंट को समझाना हमारा पर्पज है, ये एज अ आप ज्योमेट्री मत ले लेना, ठीक है, ये क्यों हम बता रहे हैं कि वेरिएबल क्या है और कॉन्स्टेंट क्या है बस। तो देखिए यहां पर एक ही जगह आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, अगर आपने यहां पुट कर दिया 2 तो जो एरिया आएगा, तो यहां पर एरिया 1 आएगा आपका √3/4 2 स्क्वायर, और 2 स्क्वायर इज 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा √3। अगर आपने a इज इक्वल टू यहां सपोज से 3 ले लिया है, तो a2 जो एरिया आएगा आपका √3/4 इंटू 3 स्क्वायर, means 9√3/4, a square is 9√3/4। तो वेरिएबल आपका चेंज हो रहा है, लेकिन जो कांस्टेंट वैल्यू है √3/4 वो हर बार सेम है, और इस वेरिएबल के चेंज होने की वजह से हर बार एरिया भी आपका बदल रहा है। तो एरिया भी क्या हुआ, वेरिएबल हुआ, वेरी कर रहा है एरिया भी, ठीक है, लेकिन उस एरिया के अंदर एक पर्टिकुलर वैल्यू है जो आपकी कभी चेंज नहीं हो रही है, वो है √3/4, वही कांस्टेंट है। आई होप आपको समझ आ गया है डिफरेंस कांस्टेंट और वेरिएबल, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन पॉलिनोमियल्स टाइप 3x² + 2x, 3x² and 2x आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, ओके, 3x² + 2x + 4 पॉलिनोमियल ऑफ 3 टर्म्स, as x², 2x, and 4। In polynomial type 3x² + 2x, 3x² and 2x
आर कॉल्ड टर्म्स, आर कॉल्ड टर्म्स। तो 3x स्क्वायर और 2x में टर्म्स हैं, तो टर्म्स से मतलब ये हुआ कि बीच में जो साइन आ रहा है ये इसको टर्म्स में डिवाइड कर रहा है पॉलिनोमियल को। एक एक्सप्रेशन है यहां पर 3x स्क्वायर, दूसरा एक्सप्रेशन है यहां 2x और बीच में प्लस साइन है, तो इसकी वजह से इनको हम क्या बोलेंगे, टर्म्स बोलेंगे। लाइक थ्री, चलिए 9x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, यहां पर कितना टर्म्स है, यहां 4 टर्म्स है। ठीक है, 4 टर्म्स कौन कौन से हैं, 9x स्क्वायर 3x स्क्वायर सॉरी 9x क्यूब 3x स्क्वायर 2x एंड 5। ठीक है, अब यहां देखिए कितने साइन बीच में आए हैं, एक साइन ये है प्लस का, एक साइन प्लस का ये है और एक साइन प्लस का ये है, यहां पर ये है, कितने साइंस हैं, 3 साइंस हैं यहां पर। अब 3 साइंस वो प्लस हो या माइनस हो, प्लस और माइनस फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अगर 3 साइंस बीच में आ रहे हैं तो 4 टर्म्स हैं, 4 साइंस बीच में आ रहे होते तो 5 टर्म्स होता, 1 साइन बीच में आ रहा है तो 2 टर्म्स है। ऐसे भी आप नंबर ऑफ टर्म्स को पहचान सकते हैं। तो काउंट कर लो साइन आने के बाद 1, 2, 3, 4। आई होप दिस इज क्लियर के टर्म्स किसको हम बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, ईच पॉलिनोमियल हैज अ कोफिशिएंट, हर पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट होता है। क्या चलिए लिख लेते हैं, ईच पॉलिनोमियल हैज अ कोफिशिएंट। ठीक है, व्हाट इज कोएफिशिएंट, लाइक 3x माइनस एक्स एक्स 3x स्क्वायर प्लस 5x, तो कोएफिशिएंट आ गया, कोएफिशिएंट यहां पर क्या है, 3 आ कोएफिशिएंट। यहां कोएफिशिएंट कितना है, जो भी वेरिएबल का मल्टीप्लाई हो रहा है वही कोएफिशिएंट है, तो यहां कोएफिशिएंट कितना है, -1। यहां कोएफिशिएंट कितना है, तो अगर कुछ नजर नहीं आ रहा तो इसका मतलब 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां पर कोएफिशिएंट कितना है, 1। यहां कोएफिशिएंट कितना है, 3। यहां कोएफिशिएंट कितना है, 5। ठीक है, तो पॉलीनोमियल की हर एक्सप्रेशन में एक कोएफिशिएंट जरूर होता है, तो आप ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे मैंने यहां लिखा एक पॉलिनोमियल लाइक 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, तो यहां पर इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कोएफिशिएंट कितना है, 4 कोएफिशिएंट है, यहां कितना है, 5। अब इसके कोएफिशिएंट की बात करें तो 3 खुद ही है, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो नहीं है, ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो हर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एक कोएफिशिएंट जरूर होगा। तो आई होप आपको टर्मिनोलॉजी समझ में आ रही है, क्या मैंने टर्म बताया, क्या मैंने कोएफिशिएंट बताया। ठीक है, कोएफिशिएंट क्या है, जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसके वेरिएबल का जो मल्टीप्लायर है उसको हम कोएफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, अगर कुछ नहीं है तो 1 तो है ही, अगर माइनस एक्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब -1 उसका कोएफिशिएंट है, -3x लिखा हुआ है तो -3 उसका एक कोएफिशिएंट है। जैसे कि ऊपर वाले एक्सप्रेशन में आप देखें तो 9x क्यूब का कोएफिशिएंट है, 3x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है और 2x का कोएफिशिएंट है। आई होप आपको कोएफिशिएंट क्लियर है, टर्म्स क्या होती हैं ये आपको क्लियर है। अभी हमारी टर्मिनोलॉजी चल रही है, इसको समझिए क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है। ठीक है, तो इनको ध्यान से आपको समझना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ हाउ will you identify polynomial? Okay. Right. Is 2 a polynomial? Yes, it's a polynomial.
इस पॉलीनोमियल को हम बोलेंगे कांस्टेंट पॉलीनोमियल। ओके, जीरो इज जीरो अ पॉलीनोमियल? यस, दिस इज ऑल्सो पॉलीनोमियल, इसको हम बोलते हैं जीरो पॉलीनोमियल। ओके, रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस टू इज अ पॉलीनोमियल? यस, दिस इज ऑल्सो अ पॉलीनोमियल। देन टू स्क्वायर रूट एक्स इज अ पॉलीनोमियल? नो, इट इज नॉट अ पॉलीनोमियल। Why it is not a polynomial? What is the reason? The reason, this is the 2x to the power half. Exponents हम पढ़ चुके हैं, तो ये जो power half है, it is not a whole number. It is not a whole number. अगर ये होल नंबर नहीं है तो ये पॉलीनोमियल नहीं होगा। ये ध्यान रखिए, इफ वेरिएबल हैज अ एक्सपोनेंट एज अ होल नंबर देन इट्स नॉट अ पॉलीनोमियल। लाइक सम मोर एग्जांपल्स, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज अ पॉलीनोमियल? इट्स नॉट ए पॉलीनोमियल। समझ आ गया होगा आपको, इसको आप लिख सकते हो x प्लस एक्स टू द पावर माइनस वन, और माइनस वन नॉट ए पॉलीनोमियल, इज नॉट ए होल नंबर। तो अगर ये होल नंबर नहीं है तो ये पॉलीनोमियल भी नहीं है। ठीक है, जैसे क्यूब रूट वाई प्लस टू, टू वाई स्क्वायर प्लस थ्री इज अ पॉलीनोमियल? नॉट अ पॉलीनोमियल। अब रीजन तो समझ आ गया अब आपको, क्यों? क्योंकि ये y टू द पावर वन अपॉन थ्री है, ठीक है, तो ये पॉलीनोमियल होल नंबर नहीं है। ठीक है, y टू द पावर वन अपॉन थ्री में वन अपॉन थ्री इज नॉट अ होल नंबर। आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि क्या पॉलीनोमियल है क्या नहीं है। हमें क्या देखना है, जो भी आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, वेरिएबल है, उसके पावर को देखना है। अगर उसका पावर कहीं भी होल नंबर में नहीं है तो वो पॉलीनोमियल नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? और जैसे मैंने बोला, टू टू एक पॉलीनोमियल क्यों है, यहां एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो नहीं है तो कोई बात नहीं है, एक्स का पावर जीरो तो आप लिख ही सकते हो, क्योंकि एक्स का पावर जीरो क्या होता है, वन होता है, तो टू इंटू वन क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। तो अभी जीरो तो क्या है, होल नंबर है, इसी कारण से भी आपका पॉलीनोमियल। ठीक है, अब नेक्स्ट हम सीखेंगे टाइप ऑफ पॉलीनोमियल। ओके, तो अभी देखिए टर्मिनोलॉजी को ध्यान से सुनना है, अभी आपका इंट्रोडक्शन चल रहा है पॉलीनोमियल्स का, इसको बड़े ध्यान से कीजिए, फिर आगे हम आगे भी बढ़ेंगे, आगे और क्या चीजें आपकी हैं, क्या आपके फैक्टराइजेशन है, क्या है समथिंग, सब कुछ करेंगे, लेकिन अभी आपको टर्मिनोलॉजी को ठीक से समझना है, इंट्रोडक्शन को ठीक से समझना है, क्या पॉलीनोमियल है, क्या पॉलीनोमियल नहीं है, क्या टर्म्स हैं, क्या एक्सपोनेंट्स हैं, ठीक है, सभी चीजों को ठीक से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलीनोमियल अगर एक्स वेरिएबल के साथ है, ठीक है, यहां हम गाइस पॉलीनोमियल पढ़ रहे हैं इन वन वेरिएबल। अभी आपका जो पॉलीनोमियल चल रहा है इन वेरिएबल, या तो वेरिएबल आपका एक्स होगा या वाई होगा या जेड होगा। तो लाइक जैसे किसी भी पॉलीनोमियल का जो वेरिएबल है वो एक्स है, लिख दिया थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस टू, तो इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो एज अ पी एक्स क्यू एक्स
और आर एक्स। जैसे पहले में लिखा, फॉर्मूले में लिखा हुआ है आपका 3y² + 5y + 2, तो इसको रिप्रेजेंट करते कर सकते हो आप एज अ पी वाई क्यू वाई और आर वाई, किसी भी एक तरह से, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर आप उस वेरिएबल को दिखा दीजिए, तो ये आपका पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट हो जाएगा, पी फोर पॉलिनोमियल और वाई से वेरिएबल, किस वेरिएबल में ये पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, नंबर एक। अब दूसरा, जैसे कि 2x 3x² 5/q, तो यहां आप क्या देख रहे हैं कि हर पॉलिनोमियल में एक ही टर्म, ओनली वन टर्म, तो ओनली वन टर्म पॉलिनोमियल क्या कहलाते हैं, विच पॉलिनोमियल्स हैव ओनली वन टर्म आर कॉल्ड मोनोमियल्स। सेम एज इफ टू टर्म्स हो, लाइक 2x + 1, 3x² + 5x और कुछ भी हो सकता है, सपोज y + 2, तो r for binomials। थ्री टर्म्स हैं, ओनली थ्री टर्म्स, लाइक 3x³ + x² + 5, 2x³ + x² + 5 are called trinomials। Mono means 1, pi means 2, tri means, बाकी और जो भी polynomials हैं उनको आप polynomials ही बोलिए। तो अभी हमने सीखा कि किसी भी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए आप कैसे डिनोट कर सकते हो किसी भी पॉलिनोमियल को। दूसरा हमने देखा टर्म्स वाइज पॉलिनोमियल्स को इस तरह से बोला जाता है, अगर ओनली एक ही टर्म है तो मोनोमियल्स, अगर उसके अंदर केवल दो टर्म्स हैं तो बाइनोमियल्स, केवल थ्री टर्म्स हैं तो ट्राइनोमियल्स। नेक्स्ट पॉइंट इज डिग्री, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल क्या होती है। तो पहले एग्जांपल समझ लेते हैं फिर डिफाइन कर लेंगे। 3x^7 + 5x² + 3, तो यहां देखेंगे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितना है, या हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, हाइएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज 7, तो 7 इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, 7 इज द डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। आई होप दिस इज क्लियर। इट मीन्स डिग्री को अगर मैं डिफाइन करूं तो क्या हो रहा है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल कॉल्ड डिग्री
ऑफ द पॉलिनोमियल। जो भी हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की वही उसी पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। राइट, कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं। थ्री एक्स क्यू प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, यहां डिग्री कितनी है? डिग्री इज थ्री। फोर एक्स टू द पावर फाइव प्लस टू एक्स टू द पावर फोर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सेवन, इसका डिग्री कितना है? डिग्री इज फाइव। फाइव अगर पॉलिनोमियल फाइव लिखा हुआ है तो इसका डिग्री कितना है? कितना डिग्री होना चाहिए? डिग्री इज जीरो। तो आप इसको ले सकते हो एक्स का पावर पर जीरो, फाइव इंटू एक्स का पावर जीरो, और एक्स का हाईएस्ट पावर कितना है? जीरो है। ठीक है, वेरिएबल केवल एक्स ही नहीं, वाई जेड या कुछ और वो वेरिएबल के फॉर्म में दे दे तो उसको देखना है। आई होप दिस इज क्लियर गाइज। तो अभी हमने आइडेंटिफाई किया, मतलब समझा डिग्री क्या है। इससे पहले हमने समझा था कि टर्म वाइज इनको पॉलिनोमियल्स को हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, और समझा था कैसे अपने पॉलिनोमियल्स को हम डिनोट करेंगे। अगर किसी वेरिएबल के साथ दिया हुआ है, एक्स के साथ दिया हुआ है तो पी एक्स क्यू एक्स आर एक्स, वाई के साथ दिया हुआ है तो पी वाई क्यू वाई एंड आर वाई। ओके गाइज, क्लास को हम यहीं फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 2.1 के साथ, और इसका कुछ थ्योरी का पार्ट बचा हुआ है उसको भी हम वहां फिनिश करेंगे। नेक्स्ट क्लास से पहले आप लोग इसकी एक्सरसाइज जरूर कर लीजिए, कुछ क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आ सकता है और कुछ क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।